लाइफ में पैर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर यह किसी के लिए कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन तकलीफ सबसे ज़्यादा तब होती है जिससे हम प्यार करते हैं उसके प्यार में कमी आ जाती है या वो पहले जैसे इंपॉर्टेंट नहीं देता। तुम क्या करोगे या क्या कर सकते हो जब वो प्यार में कमी कर दें जिसके लिए तुम दिन रात एक करते हो, जिसके सपनों को अपना मानते हो और साथ में मिलकर पूरे करने की कोशिश करते हो? देखो, अगर तुम दोनों में पहले जैसा प्यार नहीं है तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्यार के नाम पर बस इंजॉय करने के लिए या फॉर्मली एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रखना है इसलिए रिलेशन में आ जाते हैं, तो उनके बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी ये लोग ना प्यार के लायक होते हैं ना किसी और चीज़ के। ये लोग ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता नहीं निभाते हैं, चाहे ये लड़का हो या लड़की, इनको फ्यूचर में कोई भी अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलता। ये लोग मतलबी होते हैं, बस अपना फ़ायदा देखते हैं, तुम्हें यूज़ करते हैं, अपना काम निकल जाने के बाद तुम्हें छोड़ देते हैं या तुम्हें पहले ऐसा प्यार नहीं करते हैं। अगर तुम भी ऐसे किसी से प्यार करते हो जो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देता है या जिसकी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो यार सैड होने वाली कोई बात नहीं है। तुम लकी हो कि तुम्हें जल्दी सब समझ में आ गया, बस निकल आओ वहाँ से। एक बार बात करके देखो, अगर काम नहीं बना निकल आओ बाहर, क्योंकि ये लोग ना प्यार देना जानते हैं ना प्यार लेना। ऐसे रिश्तों का अंत ब्रेकअप ही है, चाहे जितना जोड़ने की कोशिश करो ये टूटेगा ही। दूसरा रीज़न है द वाइटल पॉइंट। देखो, अगर तुम रिलेशन को बचा कर रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करो। यार, लोगों की फितरत होती है वो खुद की गलती नहीं देखते और बिना कुछ सोचे समझे अपनी गलती किसी और के गले डालने की कोशिश करते हैं। ये एक नेगेटिव साइड है। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लो तुम एक फ़ोन खरीद कर लाए क्योंकि फ़ोन के कुछ फीचर्स तुम्हें बहुत पसंद आ गई। अब मान लो कुछ महीनों बाद वो सारे फीचर फ़ोन से गायब हो जाए, तो क्या वो फ़ोन पहले जैसे तुम्हें अट्रैक्ट करेगा? नहीं ना। बिल्कुल ऐसे ही जब किसी को किसी से प्यार होता है तो कोई एक फीचर या सारे फीचर पसंद आने लगते हैं। जब तुम किसी से प्यार करते हो या कोई तुमसे प्यार करता है तो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ अलग या यूनिक फीचर होगा जो उसे पसंद आया हो या बहुत अट्रैक्ट किया हो। हो सकता है उसकी बातें, उसकी चाल ढाल, उसकी मेंटेलिटी, उसका लुक्स, स्माइल या कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़ें जो तुम पसंद करते हो या वो चीज़ें जो वो पसंद करती हैं अगर गायब हो गया हो तो यार ब्रेकअप तो नहीं होता लेकिन प्यार में कमी आ जाती है। इस मामले में खुद को रखकर सोचो, जो तुम पहले थे क्या आज भी तुम वही हो? अगर नहीं हो तो पहले इस चीज़ को ठीक करो। अगर तुम में सब ठीक है तो जिससे तुम प्यार करते हो उसे पास बिठा कर समझाओ, क्योंकि लॉस दोनों का है, लॉस रिलेशनशिप का है। कोई भी रिलेशन वैल्यूएबल तब बनता है जब खुद से प्यार करते हो और एक दूसरे से प्यार करते हो। प्यार, भरोसा और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, इस बेस पर टिकी होती है, बाकी चीज़ें उतना मैटर नहीं करती। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी को यूज एंड थ्रो ना करके लॉन्ग टाइम रिलेशन चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।